तुमने मुझसे फिल्म का प्रीमियर छुड़वा के यहाँ बुलाया ऋषभ को बचाने के लिए, और उससे भी बड़ी बात तुमने मुझसे ये कहा कि मैं इसके घर वालों को कुछ भी ना बताऊं। क्यों क्यों प्रथा? हालत देखिए आपने इसकी, कितनी बुरी तरह से घायल है। मुझे बचाने के लिए आया था और उस सीरियल किरण ने इसी पे छुरी चला दी। तो तुम भी तो मारना चाहती हो उसे, तुम्हारी जगह पे कोई और मार देता, क्या फर्क पड़ता उससे? प्रथा तुम क्या करे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्यों बार बार उसे बचा रही हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें उससे बदला लेना है, आज वो मर जाता, तुम्हारा बदला पूरा हो जाता, और मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ उसका बदला लेना है, दैट्स ऑल। क्यों बचा रही हो तुम्हें उससे? तुम्हें प्यार हो गया उससे? हाँ नहीं। हाँ तुम्हें प्यार हो गया उससे, तुम उससे बदला लेने आई थी पर तुम्हें फिर से उससे प्यार हो गया है। नहीं। तो फिर क्यों बचाया तुमने? क्योंकि इसे मैं खुद मारना चाहती हूँ। तुम सीरियसली चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हारा बदला लेने में? हाँ। तो फिर तुम सबको भूल जाओ और सबसे पहले इसे मारो। रथा ये वही है जिसने तुम्हारे बच्चे को मारा था। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे जीने का मकसद, तुम्हारा सुख चैन प्यार सब कुछ इस इंसान की वजह से बर्बाद हुआ है। रथा ये वही इंसान है जिसने तुम्हें छोड़ा था, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रथा ये वही इंसान है जिसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम बाकी सबको बोलो और सबसे पहले इसे मारो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे ही मारूंगी। घबराइए नहीं, अब वो खतरे से बाहर है। पर खतरा तो अब भी है। भाई आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं एंगेजमेंट में भी देख रही थी, आप सिर्फ और सिर्फ प्रथा को देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे कोई और से देखे ही ना। इतना प्रोटेक्टिव भाई, आप प्रथा से सवाल कर रहे थे ना, अब मैं आपसे पूछती हूँ, कहीं आपको प्रथा से प्यार तो नहीं हो गया भाई? जो लड़का किसी लड़की को नजर उठा के देखता तक नहीं था, उसकी नजर प्रथा से हटती ही नहीं। भाई अब भूलो मत हम यहाँ क्यों आए हैं, और अगर पता चल गया प्रथा को कि ज्वाला ने हम पे क्या एहसान किया है, हम क्यों मदद कर रहे हैं उसकी, तो फिर आप सोचो क्या होगा। शायद राजेश प्रताप सिंह सही बोल रहे हैं। तो ब्रितेश से पहले मैं ऋषभ को मारूंगी। ऋषभ तुमने किया है पर प्यार में छलावा, ना क्या तुम्हारी मौत का बुलावा। अब सबसे पहला वार ऋषभ गुजराल। महक हम बहुत लेट हो चुके हैं, वैसे ही जैंग सन की है, कहीं सनक ना जाए। वेलकम। मोस्ट वेलकम। आप ही का इंतजार था, आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी। रियली सॉरी, हम एक विलन रिटर्न के प्रीमियर पर गए थे। एक विलन रिटर्न फिल्म का प्रीमियर? यस। नेवर माइंड, मैं भी डिनर थोड़ा देर से करना पसंद करता हूँ, आइए डिनर करते हैं। ये मेरा पुराना खानदानी महल है। जब तक मैं इंडिया में रहूंगा यहीं रहूंगा। जल्द ही मेरा बेटा यहां आ जाएगा और मेरा बिजनेस हैंडल करेगा। बैठिए।
शॉ बस उसी का इंतजार कर रहा। ओ यस, उस जमीन का क्या हुआ? मुझे मिली नहीं अभी तक। जमीन मुझे मिल गई है जैंग साहब, और अगर मुझे मिल गई तो समझिए कि आपको भी मिली जाएगी। उसे भूख लगी, शिकार नहीं मिला तो तबाही मचा देगा। ये गुराने की आवाज कहां से आ रही है? Worry not, तुम सेफ हो यहां। जैंग साहब, कोई और भी आ रहा है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, माफ करना साहब। क्या है बताओ, कौन है ये लोग? सर, ये लोग पकड़े गए थे क्योंकि ये इंडिया के भक्त बन रहे थे और इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। मैंने इंडिया से प्यार है। हाँ साहब, हम इंडिया को तबाह करने आए थे, सर हमसे ना हो सका क्योंकि इंडिया से प्यार भी तो है ना। चुप, रुको। देशभक्तों को ऐसे कैसे मार सकते हो तुम? मैं भी तो पहले इंडियन ही था। कुछ साल हुए मुझे चंगिस्तान से दोस्ती किए हुए, और तब मैंने सोचा इंडिया को बर्बाद कर देना चाहिए, लेकिन इन्हें तो इंडिया से प्यार है, और प्यार को कोई कैसे बांध सकता है? उठो उठो, खड़े हो जाओ। देखो इनकी हालत, देखो देखो इन्हें, लगता है जैसे पता नहीं कब से खाना नहीं खाया। Have a seat, please. आइए, खाना खाइए। आइए, बैठिए। माफ कीजिए, आपसे पहले हमें इनकी खातिरदारी करनी होगी। ये मोगैम्बो मीठा मैंगो कैसे बन गया? ये खाना, ये दावत आप लोगों के लिए है। आइए, खाइए, बैठिए। जलेबी। ए, चलना आना। ए, खाना बहुत टेस्टी है। चुप, वो तो होगा ही। ये लोग जो खिला पिला रहे हैं ये उसके लिए है। किसके लिए? वही जो हमारे खाना खाने के बाद हमें खाएगा। जैंग ले आया है उसे। तुम्हारा तुम्हारा मतलब चिंगिस्तान से यहाँ आ सकता है? तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? 5 साल पहले उसे चिंगिस्तान में देखा गया था, फिर आखिरी बार यहाँ के पहाड़ों में। बड़े मकसद से बुलाया है उसे। पहले हम लोग खाना खाएंगे, फिर वो हमें खाएगा। उसका दिल बहलाने के लिए लाया गया है हमें यहाँ। ये किसकी बातें कर रहा है? जैंग किसको लेकर आया चंगिस्तान से? चलो, खाना पीना तो हो गया, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ले आओ उसे, अब उसकी भी खातिरदारी हो जाए, बोर हो गया होगा।